शहद, हनी या फिर मधु। वात पित्त कफ की जब हम बात करते हैं आयुर्वेद में, तो उसको शमन करने वाली लाइन से तीन दवाइयां सभी आचार्यों ने कही है, वात के लिए तेल, पित्त के लिए घी और कफ के रोगों के लिए शहद। तो हमने तेल के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो वात रोगों में यूजफुल है, घी के ऊपर भी कई सारे वीडियो हमने बना के यूट्यूब पे डाले हैं। तो कई लोगों का हमें कमेंट आया था कि भाई शहद से आपकी कोई दुश्मनी है क्या, शहद के बारे में क्यों नहीं वीडियो बनाते, उसके बारे में भी तो बताओ, उसका क्या गुण है, कैसे यूज करना चाहिए, किन किन बीमारियों में काम आता है, आयुर्वेद शहद के बारे में क्या कहता है, कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी भी तो हमको जानकारी दो, क्योंकि कफ के रोगों के लिए आयुर्वेद में शहद को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो आज हम ये वीडियो लाए हैं उन सभी लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि शहद क्या क्या काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे यूज करना है और किन किन बीमारियों में शहद आपको अपने घर में जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो में वो हम सारी बातें जानेंगे। शहद को इंग्लिश में हनी कहते हैं और इस शहद के गुणों को बताने के लिए आयुर्वेद के ऋषियों ने बहुत सारी चीजें लिखी है। तो मैं आपको शहद के गुण बताना शुरू करूं, उसके पहले मेरा एक सवाल है आप सभी के लिए, आप ये बताइए कि शहद गर्म है कि ठंडा है। 3 सेकंड का टाइम देता हूं, 1, 2, 3। आप में से जिन लोगों ने ये कहा है कि शहद गर्म है, वो लोग गलत है, शहद गर्म नहीं ठंडा है। जी हाँ, आयुर्वेद में शहद के गुणों को ठंडा कहा गया है। बहुत सारे लोग को ऐसे लगता है कि शहद तो गर्म नेचर का होगा क्योंकि कफ को कम करता है। जी नहीं, शहद का नेचर आयुर्वेद में ठंडा कहा गया है। इसलिए भाव प्रकाश निघंटू जब शहद के गुणों को बताना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला वर्ड उन्होंने ये लिखा है, मधु शीतलम, अर्थात मधु मतलब शहद, हनी उसका जो नेचर है वो ठंडा है, शीतल है। लघु स्वादु रूक्ष ग्राही विलेखनम, लघु है अर्थात ये हल्का है नेचर में, रूक्ष है शरीर के अंदर रूखापन पैदा करने का काम शहद करता है, और ये ग्राही है शरीर में चीजों को रोकता है। साथ ही साथ विलेखनम अर्थात जो भी मोटापन है उसको लेखन खुरुच खुरुच के कम करने का, पतला करने का काम करता है। ये सभी तो गुण शहद के हैं। अब अगर कोई व्यक्ति शहद खाए तो वो शरीर में किन किन चीजों पर जाकर काम करता है या क्या क्या काम करता है वो जानते हैं। तो इसका जो सबसे पहला गुण है, जो सबसे पहला इफेक्ट आपको कहीं देखने मिलेगा, तो वो है आंखों के ऊपर, इसलिए इसको चक्षुष्य कहा है। हमने एक वीडियो डाला है आंखों के ऊपर कि आंखों की सबसे सस्ती और असरदार दवा, और उसमें बताया है कि शहद, त्रिफला और घी अगर आप मिलाकर खाएं तो वो सबसे अच्छी दवा है आंखों की बीमारियों में। तो शहद आंखों के रोग में विशेष करके यूजफुल है, इसलिए आयुर्वेद में आंखों के 76 डिसऑर्डर कहे गए हैं, उसमें कई बार शहद आंखों में लगाने के लिए या औषधि में मिला के आंखों में लगाने पे या शहद खाने के लिए हम देते हैं, क्योंकि शहद का जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट है वो आंखों पे दिखता है। तो अष्टांग संग्रह हो या भाव प्रकाश निघंटू, सभी कहते हैं कि शहद आंखों के लिए सबसे कमाल की दवा में से एक है और ये चक्षुष्य है, आंखों के लिए बहुत अच्छी दवा है। फिर इसका अगला गुण कहते हैं दीपनम स्वर्यम, दीपनम अर्थात ये अग्नि बढ़ाता है, पाचन बढ़ाता है, और ये स्वर्य है, ये गले के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग जो बहुत बोलते हैं, भाषण देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेक्चर देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, या फिर टीचर हैं, या फिर सिंगर ही क्यों ना हो, जिनको गले का बहुत काम करने पड़ता है, जिनका प्रोफेशन गले से ज़्यादा रिलेटेड है, या जिनको गले के रोग ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि बच्चों को जिनकी आवाज़ बैठ जाती है, या ऐसे लोग जिनको बार बार गले में थोड़ा बहुत कफ होता है और हर बार ऐसे करते हैं, तो ऐसे लोग जिनको इस तरह की समस्या होती है, उन सभी लोगों को शहद खाना गले के लिए बहुत अच्छा है और ये स्वर को या गले की आवाज को अच्छा करता है। फिर आगे एक शब्द कहते हैं व्रण शोधन रोपण, व्रण अर्थात घाव, किसी भी तरह की चोट लगना, इंजरी हो जाना, वो चाहे इंटरनल व्रण हो या चाहे शरीर के बाहर हुआ हो, समझो कि आपका एक्सीडेंट हुआ और चोट लग गई और वहां पे बहुत बड़ा घाव बन गया है। अब उस घाव को या तो साफ करना है या उस घाव को जल्दी से भरना है, तो उसके लिए शहद सबसे कमाल की दवा है। एक रिसर्च में पढ़ता था, उसमें तो ये शब्द आया है कि आज के जमाने में जो प्रोवोडिन, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लाल कलर का एक लिक्विड लगा देता है आपके घाव में, उस घाव को भरने के लिए वो जो लाल कलर की दवा होती है, मोस्ट ऑफ प्रोवोडिन होती है, उस दवा से भी 3 गुना ज़्यादा हीलिंग पावर शहद के अंदर है, ऐसा उस रिसर्च में कहा गया है। तो
शहद घाव भरने के लिए सबसे कमाल की दवा है। पहले के जमाने में जब बड़े बड़े युद्ध होते थे, तलवार, भाले, बाण ये सारी चीजें होते थी और गहरे गहरे घाव होते थे, समझो किसी को भाला लग गया वो कितना बड़ा घाव होगा, तो ऐसे घाव को भरने के लिए एज ए एंटीसेप्टिक और घाव को बहुत जल्दी साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। और शहद बहुत तेजी से घाव भरने की ताकत रखता है। इसका एक्सपेरिमेंट हमने एक बार 2015 में बेंगलोर में पाया था। हमारे साथ एक भाई थे जिनको बाल तोड़ हुआ था पैर में और उनको एक उंगली के बराबर तक अंदर उनको पस फॉर्मेशन हुआ था उस बाल तोड़ के कारण। उस पस को हमने जो ठीक किया था वो केवल शहद और घी समान मात्रा में मिला के उनको 3 से 4 दिन ड्रेसिंग की थी और वो पूरे का पूरा पस क्लीन उनका होके वो घाव अच्छे से भर गया था बिना किसी ओरल मेडिसिन के या कोई दवा के। तो ये इतना पावरफुल प्रॉपर्टी शहद की है घाव भरने के लिए, इसीलिए तो आयुर्वेद में इसे व्रण शोधन और रोपण कहा गया। सुकुमारी करम सूक्ष्म, अर्थात ये शरीर के अंदर सॉफ्टनेस लेके आता है। अगर शरीर को मुलायम बनाना हो, खास करके कई लड़कियों को ये इच्छा होती है कि उनका शरीर सॉफ्ट रहे या गाल ये सब सॉफ्ट रहे, तो उनको या तो शहद का लोकल एप्लीकेशन करना चाहिए या फिर शहद खानी चाहिए, क्योंकि ये सुकुमारता सॉफ्टनेस लाता है। आगे इसका गुण बताते हुए बोलते हैं कि ये सूक्ष्म है, शरीर के एक सिंगल से सिंगल सेल के अंदर छोटी सी छोटी जगह में अगर जाना हो तो शहद वहां पर पहुंच जाता है। सूक्ष्म अर्थात हर एक जगह शरीर में जाने की इसके अंदर ताकत है, इसलिए कई दवाइयां शहद के साथ मिलाकर दी जाती है कि शहद उन दवाइयों को उन छोटी सी छोटी जगह पर ले जाने का काम करे। सूक्ष्म के बाद अगला जो गुण है वो है परम श्रोतो विशोधनम। श्रोत शब्द का अर्थ होता है हमारे शरीर में जो चैनल्स हैं, आयुर्वेद में तो असंख्य श्रोतस कहे हैं कि हमारे शरीर में असंख्य चैनल्स हैं, उन सभी को क्लीन करना हो, खास करके अगर उनमें आम विष हो या फिर ब्लॉकेज हुआ हो, जैसे कि बहुत बार होता है हार्ट में ब्लॉकेज है या फैटी लीवर है, हाइपोथायराइडिज्म है, ऐसी बीमारियों में आयुर्वेद में जो संतर्पण जन्य बीमारियां बोली हैं, मोटापे से रिलेटेड या एक्स्ट्रा फैट हो जाने के कारण जो कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, उन सबको क्लीन करना हो, साफ करना हो, तो शहद सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसको परम श्रोतो विशोधनम कहा है। तो ये सभी के सभी चैनल को साफ या क्लीन करने का काम करता है। तभी तो मोटापे के रोगों में या मोटे लोगों को पतला करने के लिए गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी, गर्म पानी नहीं, गर्म करके ठंडे किए हुए पानी में शहद मिलाकर पीने बोलते हैं, क्योंकि ये लेखन पतलापन करता है और श्रोतस को क्लीन करने का काम। फिर इसका रस बताते हुए कहते हैं कि ये खाने में तो मीठा लगता है पर थोड़ी देर बाद ये कसैले स्वाद का लगता है। कसैला स्वाद अर्थात आपने कभी आंवला खाया है तो आंवला खाने पे जो पहला टेस्ट आता है उसको कसैला कहते हैं, एस्ट्रिजेंट टेस्ट। तो ये कसैला रस मतलब खाने में शहद मीठा लगता है और थोड़ी देर के बाद जो उसका छुपा हुआ अनुरस है वो कसाय है। ये हार्ट के लिए अच्छा है, शरीर का रंग बहुत अच्छा करता है, ऐसे करके बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी आयुर्वेद में कही गई है। फिर कहते हैं वर्ण, अगर आपको कलर इम्प्रूव करना है तो शहद खाइए। मेधा करम, अगर दिमाग की ताकत बढ़ानी है, दिमाग की शार्पनेस बढ़ानी है तो शहद खाइए, क्योंकि ब्रेन के लिए ये बहुत अच्छा माना गया है। वृषम विशुद्धम रोचनम हरेत, ये वृष है, हमने इसके लिए एक वीडियो भी आयुर्वेद में बनाया है वाजी कारक सीरीज में कि शहद और सेक्स या फिर वाजीकारक औषधियों में कैसे शहद का प्रयोग करना चाहिए। तो ये वृष्य है, शुक्र धातु को विशेष रूप से बढ़ाने का काम करता है। इसे विशद और योगवाही कहा है, अर्थात ये सारी दवाइयों को साथ में ले जाने की ताकत रखता है। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी शहद की बताने के बाद वो बीमारियों का नाम बताते हैं कि किन किन बीमारियों में शहद को आपको जरूर लेना चाहिए। तो सबसे पहली बीमारी उन्होंने कहा है कुष्ठार्थ, कुष्ठ अर्थात चर्म रोग जितने भी होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुष्ठ मतलब सिर्फ लेप्रेसी होता है, कुष्ठ मतलब केवल लेप्रेसी नहीं है, आयुर्वेद में किसी भी तरह के चर्म रोग को कुष्ठ के अंतर्गत हम मान सकते हैं। और कुष्ठ का अर्थ ही यही होता है कि जो शरीर के रंग को, शरीर के कॉम्प्लेक्शन को बिगाड़ देता है। तो सभी तरह के चर्म रोग, वो चाहे एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या फिर आर्टिकेरिया हो, कुछ भी हो, दांत खाज खुजली से लेकर आपको चकत्ते पड़ते हो, उन सारे के सारे स्किन के डिसऑर्डर में शहद यूजफुल है। आगे कहते हैं अर्श, अर्श अर्थात पाइल्स, खास करके अगर ब्लीडिंग पाइल्स है, अगर खून निकलता है तो उसमें तो ये विशेष करके उपयोगी है। पित्त की तकलीफ है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हीट लगती है, पित्त के कारण शरीर से खून बाहर निकलता है, उन सभी लोगों के लिए शहद बहुत अच्छा है क्योंकि इसका नेचर ठंडा है। कास,
अगर सूखी खांसी होती है और खांसी के साथ कभी कभी कफ भी निकलता है तो खांसी की समस्या में शहद को कमाल की दवा आयुर्वेद में बोला गया है। रक्त पित्त जैसी बीमारियों में जिसमें कि शरीर से ब्लीडिंग होती है, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो, खून निकलता हो, या शरीर के बाहर से खून निकलता हो कहीं से भी, उसमें ये बहुत अच्छा है। ये कफ के रोगों में भी बहुत ज्यादा आयुर्वेद में उपयोगी बताया गया है, क्योंकि इसके लेखन का काम है, इसलिए कफ अगर कहीं पे इकट्ठा हो गया है, जम गया है, सीने में कफ इकट्ठा है, निकल ही नहीं रहा है, तब शहद बहुत अच्छा है। प्रमेह डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों में, वैसे तो मधुमेह को डायबिटीज कहा गया है, पर डायबिटीज की किसी भी स्टेज में प्रमेह को आजकल हम डायबिटीज से थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, शुरू की कोई भी स्टेज में शहद खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि क्या डायबिटीज में शहद खा सकते हैं क्योंकि शहद मीठा टेस्ट का है। जी हाँ, डायबिटीज के शुरुआत में आप शुद्ध शहद जरूर खा सकते हैं, ये हर एक कंडीशन में यूजफुल है। और आयुर्वेद में तो प्रमेह के हर एक अवस्था में उन्होंने शहद का उपयोग कहीं ना कहीं जरूर बताया, तो आप कर सकते हैं इसका प्रयोग। एक शब्द आया है क्लांति, जिन्हें आलस बहुत आता है, जिन्हें बहुत थकान होती रहती है, हमेशा आलसी की तरह पड़े रहते हैं, उनके लिए कृमि, जिसके शरीर में कीड़े हो गए हैं, 20 तरह के आयुर्वेद में कृमि बताए गए हैं, तो सभी तरह के, चाहे वो वर्म्स किसी भी तरह के हो, खास करके जिनको गुदा मार्ग में बच्चों को बहुत बार ईचिंग होती है वहाँ कृमि हो जाते हैं, तो उसमें इन सभी बीमारियों में शहद खाना चाहिए। फिर इसके बाद अगला इसका फायदा है मेद, मोटापे के रोगियों में जिनके शरीर में फैट चर्बी बहुत इकट्ठा हुई है, उस फैट को कम करना है तो शहद विशेष रूप से यूज करना चाहिए। शहद को हमेशा सादा पानी या ठंडे पानी के साथ ही यूज करना है, गर्म पानी के साथ कभी भी नहीं। तो मोटापे में भी आप पानी को गर्म करके ठंडा कर लीजिए, तब शहद का यूज करें तो बहुत अच्छा है। फिर जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जिनका मुंह बहुत सूखते रहता है, कितना भी पानी पी ले प्यास नहीं मिटती, ऐसे लोगों को शहद का पानी बहुत अच्छा है। जिनको श्वास की समस्या है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई कोई भी, जिनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, डस्ट एलर्जी या पोलन ग्रेन्स की एलर्जी, उन सभी लोगों के लिए आयुर्वेद में शहद को गुणकारी बोला है। हिचकी, जिन लोगों को हिक्का आती है, तो प्राणवस श्रोतस के तीनों रोग शहद से कवर हो जाते हैं, वो चाहे श्वास की तकलीफ हो, या फिर कास हो, सूखी खांसी आती हो, या हिचकी, हिक्का आती हो, इन तीन के तीनों रोगों में शहद काम करता है। जिन लोगों को लूज मोशन बहुत होता है, अतिसार होता है, जुलाब होता है, ऐसे भी लोगों को शहद का पानी या फिर शहद खा सकते हैं, क्योंकि ये ग्राही है, चीजों को रोकने की ताकत रखता है, इसलिए शहद का प्रयोग अतिसार में आयुर्वेद में कहा गया है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी ये विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह लेखन का काम करता है। जिनको शरीर में कहीं भी जलन होती है, हाथ पैर में, शरीर पतला हो गया है, चेस्ट में इंजरी हुई है, ऐसी सभी की सभी बीमारियों में आयुर्वेद में शहद का यूज करने के लिए कहा है। शहद को हल्का सा वातवर्धक कहा गया है, तो शहद अल्प मात्रा में थोड़ा बहुत कभी कभी शरीर में वायु बढ़ाने का काम करता है। अब शहद के इतने सारे गुण जानने के बाद कैसे प्रयोग करना है, तो आप शहद को या तो औषधि में मिलाकर यूज कर सकते हैं, या फिर शहद को डायरेक्ट आप एक चम्मच की मात्रा में खा सकते हैं। शहद को आप पानी में मिलाकर भी इसका पानी बनाकर दिन में 3 से 4 बार पी सकते हैं। कितनी मात्रा में, तो आयुर्वेद में शहद को हमेशा अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा में ही यूज करने के लिए कहा है। ज्यादा मात्रा में ये बहुत खतरनाक हो जाता है। आयुर्वेद में तो ऐसी वार्निंग है कि अगर शहद के कारण अजीर्ण हुआ, वो सबसे मारक है, खतरनाक है, शहद अगर हजम नहीं हुआ, तो शहद हमेशा अल्प मात्रा में ही बहुत बड़ी वो दवा है। कितना लेना चाहिए, आप आधे से एक चम्मच एक बार में ले सकते हैं, दिन में 2 या 3 चम्मच शहद बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा शहद की आपको जरूरत नहीं। कैसे ले सकते हैं, या तो पानी में घोल के, या जिस औषधि में ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर ले सकते हैं। समझिए जैसे कि आप सौंठ खा रहे हैं कफ के लिए, तो सौंठ के पाउडर में, जिंजर के पाउडर में थोड़ा सा शहद मिलाकर आप ले सकते हैं। कौन कौन ले सकता है, तो ये जो जितनी सारी बीमारियां बताई हैं वो सब के सभी लोग ले सकते हैं। किसे नहीं लेना है, तो शहद का जो दुश्मन है वो गर्म चीजें हैं। आयुर्वेद में तो ऐसा कहा है कि शहद खा के कोई गर्म चीज नहीं खानी चाहिए, गर्म चीज खा के शहद भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप धूप में हैं, धूप से आए हो, तो शहद मत खाओ, या फिर शहद को कोई गर्म चीज के साथ डाल के, शहद को गर्म करके कभी मत खाओ। तो शहद का जो दुश्मन है वो सभी गर्म चीजें हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सुबह उठ के गर्म पानी करते हैं, उसमें शहद और नींबू मिलाकर पीते हैं, आयुर्वेद में वो विष है, जहर है, आयुर्वेद तो बिल्कुल मना करता है, बाकी लोगों की इच्छा।
इसके लिए हमने एक वीडियो भी डाला है, शहद प्लस गर्म पानी जहर, तो उसमें बताया है कि क्यों आयुर्वेद में शहद और गर्म पानी को विष बोला गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो शहद को कभी भी गर्म चीजों के साथ प्रयोग ना करें। शहद का यूज करना है तो हमेशा गर्म करके ठंडे किए हुए पानी के साथ लो, या शहद ऐसे ही खाओ तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट जाते जाते, आयुर्वेद में 5 ऐसी चीजें बोली हैं जो जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा अच्छी और गुणकारी होती है, उसमें से शहद एक है। तो आपको अगर शुद्ध शहद मिलता है तो आप स्टोर करके रख लीजिए, और उसका वो पुराना होने पर भी उसका गुण बना रहेगा। हम जल्दी ही एक ब्लॉग लेकर आने वाले हैं देसी डॉक्टर वाले चैनल पे, जिसमें हम जहां से शहद खरीदते हैं वहां ले जाके हम आपको मधुमक्खी का छत्ता और सब कुछ दिखाएंगे, और वहां से शहद हम क्यों खरीदते हैं और उनका भी चाहिए तो हम आपको नंबर दे देंगे। अगर आप में से किसी को कॉन्टेक्ट करना होगा तो आप, जैसे हमने घी के लिए एक वीडियो बनाया था कि घी कहाँ से लेते हैं, तो कई लोगों को उनका नंबर चाहिए था तो हमने दे दिया था। ऐसे ही हम शहद जहाँ से लेते हैं उनका हम वहां जाकर ब्लॉग बनाएंगे, और अगर आप में से किसी को शुद्ध शहद चाहिए होगा तो वो भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे फोन करके या उनसे मंगा सकते हैं। तो ये थी कमाल की सुपर शहद, जो कि इतनी बड़ी चीज है, और कफ के रोगों में तो इसे सर्वश्रेष्ठ शामक या कफ को कंट्रोल करने वाली दवाइयों में आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।